हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं जा रहा हूँ दादूपुर डैम, एक यमुनानगर में एक डैम है, वहाँ पर अभी मैं जाने लग रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। बिल्कुल हम डैम के पास आ गए, बस यहाँ पे ही थोड़ी सी आगे जाके डैम है। देखो दोस्तों, ये डैम है, यहाँ पे बिजली बनती है, ये प्लांट है यहाँ का। तो इधर बंदर है, ये देखो बंदर है यहाँ पर आ गया। यहाँ पर तो बंदर है, बोलना नहीं है भाई कुछ, डल जाइयो, देखी मत, इसको इग्नोर करते हो चले जाओ। दोस्तों बंदर को इग्नोर करते हो। पानी भैया जो हमने आपको हथनी कुंड में दिखाया था गाइस, ये पानी जो हथनी कुंड में दिखाया था वही पानी है, वही लेकिन पानी आता है यहाँ पे। ये स्पॉट अलग है, जगह अलग है, ये देखो पता नहीं आने की जगह है, अब कोई लेकिन आता नहीं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर कितना तगड़ा पानी है, यहाँ पे पूरा प्रेशर है, देखो ये देखो, यहाँ पर पूरा सही प्रेशर है तेज। ए वहां से पानी आ रहा है, वो छोड़ रखा वहां से, आ जा वहां। काफी तेज है यार, ये देखिए दोस्तों, ये मछली पकड़ रहे हैं मछली। उधर वो सामने जो आदमी है ना, वो मछलियां पकड़ रहे हैं, और वहां से पानी छोड़ रखा है। एक इस बंदर की भी शक्ल देख लो दोस्तों, अभी ना इस साइड पानी छोड़ नहीं रखा है, इधर की तरफ छोड़ रखा है, और यहाँ छोड़ रखा है, तो यहाँ का व्यू देख लो। यहाँ पे लोग ज्यादातर इसलिए आने लग गए क्योंकि यहाँ पे ना जिम बना रखी है, और फ्री की जिम मारने के लिए लोग आ जाते हैं यहाँ पे। स्कूटी मेरा है रखो यार, हैं मेरा मोबाइल, स्कूटी मेरा है ले आ। ये देखो ये जिम बना रखी है यहाँ पर, और सामने की तेज भाव। ये ग्रिल ना बहुत ऊंची ऊंची कर दी, पहले यहाँ तक होती थी, अभी ये बाद में लगाई है। मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ ना यहाँ पे, 3 साल बाद। अभी यहाँ पे पानी छोड़ रखा है, लेकिन कम छोड़ रखा है, और आवाज़ भी नहीं पता मेरी ज़्यादा आ रही है या फिर पानी की ज़्यादा आवाज़ आ रही है, पानी के भाव की। ये उससे थोड़ा सा आगे का व्यू है, काफ़ी शांति वाली जगह है, काफ़ी शांति है यहाँ पे। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे अभी से जिम मार रहे हैं देख लो, और हम देख लो हम जाते भी नहीं जिम में। ये वहाँ पर मछली पकड़ी जा रही है, वहाँ पर चल के वीडियो बनाएं। चल वहाँ पे चलते हैं, चल वहाँ का तेज भाव, बहुत ज़्यादा तेज भाव है वहाँ पर। और दोस्तों ये जो चरखा है ना, ये बहुत पुराना चरखा है, ये कम से कम भी होगा, और ये इसलिए है ये पानी को आगे फेंकता है, आगे पानी का प्रेशर जो भी है वो सारा आगे फेंकने के लिए है। जैसे पीछे पानी आ रहा है तेज करना हो तो ये घूम जाता था, और ये बहुत आगे चला जाता था, पानी फेंकता था आगे। दो खोल रखे हैं, दो ने इतना तेज प्रेशर कर रखा है देख लो, और वो सारे खुल जाएंगे तो कितना तेज आएगा पानी यहाँ से। और यहाँ पर एक चीज़ बना रखी है, ये चीज़ ना डैम को ऊपर उठाती है, वो मुझे नहीं पता कैसे उठाती है, ऐसा ये बता रहे कि डैम को ऊपर उठाती है। हाँ ये जो देखो ऊपर लगे हुए हैं वहाँ पे लगे डैम को, देखो वहाँ उधर दिखा। हाँ ये चीज़ें डैम को ऊपर उठाने के लिए है। ये देखो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं दिल्ली में, तो एक भी चीज़ नहीं है ऐसी, एक भी नहीं है दिल्ली में तो। ये देखो पानी तो चल ही नहीं रहा, रोड से नीचे का है, उधर से चल रहा है पानी, उधर से दिखा देता हूँ अभी आपको। यहाँ तो बिल्कुल सूखा है, एक बूंद तक नहीं है, और यहाँ देख लो, ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों सामने का व्यू कितना तगड़ा है, उधर से सनसेट हो रहा है। ये देखना कितनी ज्यादा नीचाई है इसकी, कितना फुट होगा ये, काफी ज्यादा फुट है, ज्यादा है, एक मंजिल है कम से कम। और ये चीज उठ जाएगी पूरी ऊपर तक, फिर ये पानी सारा उधर चला जाएगा उधर के एरिया में। ये है ना, ये संगल ऐसी ऊपर उठ जाएंगी, फिर पानी पता नहीं कहाँ चला जाएगा।
ओ भाई साहब बहुत वैसा है पानी, यहीं तक ही खड़ रोक रखा है बस इस चीज़ ने, अगर ये उड़ जाएगी तो फिर आगे चला जाएगा पानी। वो देखो दोस्तों तैरने लग रहे हैं, सही खेल रहे हो, देखो मार रहे हैं, खेल रहे हैं आपस में, ये देखो मार रहा मुक्का, ये वो तैरना आता है तो तैर रहे हैं। जाने को मैं भी चला जाऊं लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना जाने का, वो वहाँ पर चढ़ के गाड़ी धो रहे हैं, ये देखो वहाँ पर गाड़ी धो रहे हैं। ये रास्ता यहाँ से नीचे जाने का है लेकिन जाऊँ या ना जाऊँ, चलो आराम आराम से, ये उसमें देखो कमर तक का पानी है, कमर तक का, अगर जाऊँ तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे। मैं वहाँ से नीचे जाने वाला हूँ, नीचे जाके आपको दिखाता हूँ, क्या बात है इसमें कमर तक का पानी है। ये देखो दोस्तों नीचे आ गए हम, चलो ये पागल है, ये नहाने के मजे ले रहे हैं सही, उधर गाड़ी धोई जा रही है, हमारे दिल्ली में ऐसे मजे कहाँ हैं। आजा पानी मिटवा दूँ, पानी मिटवा दूँ, पागल है गंदा ये, ओ पंगे मत ले, कोई फायदा है, ठंडा है ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पड़ा पानी, चिल्ड मतलब। अब हम यहाँ से चढ़ रहे हैं ऊपर, ऊपर चढ़ जा रहा, खड़ी पैड़ी है बिल्कुल खड़ी, कम से कम एक फुट की एक पैड़ी होगी है ना, एक फुट की एक पैड़ी, कांच की बोतल पड़ी यहाँ पे फूटी हुई, जो नशेड़ी होते हैं वो नशा करके चले जाते होंगे यहाँ पे, ये देखो नशे में नारे डूब जाते हैं, फिर इनके घर के इनको ढूंढते रहते हैं। हेलो बंदर, हेलो ले बंदर है वहां पे, मेरे ख्याल फंस गया, नहीं फंसा नहीं, आया भी तो सोच समझ के होगा ना, डर रहे हैं तो। नंबर लिखा 1, उधर 2, उधर 3, उधर 4, उधर 5, उधर 6, यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं, इन्हें कोई हिसाब होता होगा, जो उनसे नंबर का खोलना है वो नंबर का खोल देते होंगे, और फिर ऐसे पानी जाते हैं, देखो ऐसे पानी जा रहे हैं यहाँ पे स्पीड से, और आगे वहाँ जहाँ से मछली पकड़ रहे थे ना, मैं आपको वहाँ से वो एरिया दिखाता हूँ जहाँ से मछली पकड़ रहे थे, ये है ना मज़ेदार पानी, देखो कितनी तेज़ी से आ रहा है, ये देखो ना कितनी तेज पानी आ रहा है, बिल्कुल झाग उठा रखे हैं यहाँ पे, तो ये छोटा सा कुआ है, और देखो वहाँ से वो पानी आ रहा है, मैंने कहा था ना जहाँ उस टाइम मैं वहाँ से वीडियो बना रहा था, मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ये देखो मैं जाने वाला हूँ नीचे, यहाँ से अब हम ये देखो पानी में से जाना पड़ेगा, पानी तो बहुत ठंडा है, ये आ गए हम, ये देखिए कितनी तेज़ी से आ रहा है, ये देखो पानी का कितना तेज प्रेशर है, पानी यहाँ से आगे वापस घूम के वहीं जा रहा है, बहुत तेज प्रेशर है पानी का यहाँ पर, और अभी थोड़ा और आगे चल के दिखाता हूँ, ये गए देखो, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वहाँ से तेज भाव वाला पानी आ रहा है, और पानी तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी था, अब तो हम चल रहे हैं यहाँ से, चप्पल भी गीली होगी फिसलने का डर लग रहा है, ये देखिए पानी बहुत ठंडा है यार, और मेरी नज़रें थोड़ी नीचे है, कैमरे को देखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। दोस्तों ये थी यहाँ की दादूपुर डैम, जो कि यमुनानगर में बहुत फेमस है दादूपुर के नाम से, और सच बताओ मेरे को सांस चढ़े हुए हैं, और अब मैं ऐसे चलने की तैयारी कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना,
और भी कोई मेरे को इंटरेस्टिंग जगह बताओ, मैं वहाँ पे जाके वीडियो शूट करूँगा और यूट्यूब पे डालूँगा सीधा। तो अभी चलते हैं।